प्रदेश में फैल रही कोरोना की दूसरी लहर को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर हो गई, जिसके चलते आज हरियाणा में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें वीसी के जरिए सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, उपायुक्तों और पुलिस कप्तानों को प्रदेश में फिर से सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। विज ने कहा कि बीते वर्ष कोरोना से इसी महीने में लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन इस बार अभी वो इस पक्ष में नहीं है कि लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। विज ने अधिकारियों को कहा कि अधिकारी बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर सख्ती के लिए हर चौक चौराहे पर चालान काटने की मुहिम शुरू करें, ताकि कोई भी बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। वहीं विज ने इस बैठक में यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर आने वाले समय में कोरोना पर लगाम कसने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े तो वो भी उठाए जाएंगे, लेकिन अभी वो लोगों का काम धंधा बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले भी लोग लॉकडाउन में काफी सहन कर चुके हैं। लोगों के अधिकारीगण पिछले वर्ष इसी महीने से हमने कोविड के खिलाफ लड़ाई आरंभ की थी और आज सारा देश इस बात को मानता है, जानता है कि हमने बड़ी हिम्मत के साथ उस लड़ाई को लड़ा। अब दोबारा से 2021 में ये शुरू हो रही है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं, लोगों में काफी शिथिलता आ गई, लोगों ने नियमों का पालन करना बंद कर दिया, लेकिन जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे अधिकारी हैं, उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने में शिथिलता आने नहीं देंगे और जिस कदर पिछले साल ये बढ़ा, इसको बढ़ने नहीं देंगे और शुरुआती दौर में ही हम इसके ऊपर रोक लगाएंगे। जब मैं कहता हूँ रोक लगाएंगे, तो जो फार्मूले बाकी जगह पर अपनाए जा रहे हैं लॉकडाउन के, नाइट कर्फ्यू के, उनके लिए अभी हम सहमत नहीं हैं। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।